हेलो गाइस, रोड टू ग्रैंड मास्टर इन सीजन 31 की सीरीज के एपिसोड नंबर 21 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो भाई, आज ना मैं मछली मैन बन चुका हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने ना ये मछली वाला बंडल पहन रखा है। ये एक्चुअली में ना बोया पास का बंडल है। एंड भाई, ये बंडल इतना टट्टी है ना, ये तो टट्टी है, लेकिन मैंने जस्ट एक ऐसे आपको मछली मैन बनने के लिए वाला बंडल पहना है। और आप लोग यहाँ पे देखो भाई, मैं ग्रैंड मास्टर से उतर चुका हूँ और मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हो भाई। उस टाइम से ना, जब से सीजन सीएस का सीजन आया, तब से मैंने जो है ना बीआर खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और भाई, देखते देखते जो है ना, मैं यार यहाँ पे ना बिल्कुल ही गिर चुका हूँ यार बीआर से ना। और ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, ऑलमोस्ट 11,000। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ग्रैंड हाँ बोल सकते हो 11,000 पे पहुंच चुका है यार। और जिन भी मेरे भाइयों को लग रहा है कि मैं ग्रैंड मास्टर दोबारा से अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो भाई ये आपकी गलती है। अभी जैसे ही मेरे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं दिन के अंदर 500-500 का प्लस करके इजिली ग्रैंड मास्टर 2 पे पहुंच जाऊंगा यार, इतनी मैं श्योरिटी लेता हूं। और उसके अलावा मैं जो है सीएस का वीडियो डाल रहा था ना, तो उसके अंदर रीच वगैरह भी अच्छा नहीं आ रहा यार, क्योंकि मेरी ऑडियंस ना बीआर की है। सो चलो यार, हम लोग ना डायरेक्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। अब यार गेम में आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आप लोगों के आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है विंजो एप्लीकेशन। एंड ये एप्लीकेशन इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इस अंदर आपको ना लूडो से लेकर रमी सारी की सारी गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके अलावा ना, ये ऐसा एक लौता एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको ना स्टोर मिलता है। यहाँ पे विंजो स्टोर के अंदर आप लोग जा करके जो है हमारे जो है फ्री फायर के डायमंड्स को डिस्काउंट के अंदर परचेस कर सकते हो। ये इंडिया का एक ऐसा लौता एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको जो है फ्री फायर के डायमंड जो है डिस्काउंट पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट पे नहीं, यहाँ पे जो है ना और भी सारे एप्लीकेशन के आपको जो है डिस्काउंट के अंदर वाउचर्स वगैरह मिलते रहते हैं अमेज़न वगैरह के। और उसके अलावा यहाँ पे ना एक प्रमोशन का सेक्शन है। यहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपको फ्री फायर का यहाँ पे एक प्रमोशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना हमेशा डायमंड की गिव अवे चलते रहते हैं, तो इसको जाके जो फटाफट से रजिस्टर कर लो। उसके अलावा मैं रेफर और अर्न की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ना पर रेफर, आप किसी दोस्त को अगर रेफर करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। और मेरे रेफरल लिंक से जो जाते हो तो आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा। तो फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैंने आपको वो बताया था ना गिव अवे, उसका जो है जो विनर अनाउंस होता है, वो ये बंदे ना यहाँ पे करते हैं टेलीग्राम के अंदर अपना जो है विनर को अनाउंस करते हैं। और इनके टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फटाफट से डाउनलोड कर लो। सो यार, ये तो बात हो गई यार स्पॉन्सरशिप की। और भाई सीरियसली, ये ऐप ना बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि मतलब इसका स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो भाई वो लोग ना एवे ही नहीं कर रहे होते। ये सीरियसली आपको ना बहुत ज्यादा रेफर एंड अर्न का बोनस वगैरह देती है। और ये जो है मेरे दिन का पहला गेम प्ले, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सामने की साइड में मुझे बंदा दिखा, इस बंदे को मैंने इजीली मार दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो विंजो गोल्ड एप्लीकेशन है ना भाई, ये कोई गैमलिंग की एप्लीकेशन नहीं है। तो आप ना टेंशन फ्री हो गए ना, यहाँ पे अपना टॉप अप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो इस बात की तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। और यहाँ पे डायमंड भी आप लोगों को ना बहुत डिस्काउंट मिल जाते हैं, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके आप डाउनलोड करना एप्लीकेशन को, ताकि आप लोगों का भी बेनिफिट हो यार 50 रुपीज़ का, और मेरा भी छोटा मोटा बेनिफिट हो, ठीक है। और भाई आज ना मेरा, सच बताऊँ आपको, मेरा ना एग्जाम भी था एंड मैं जस्ट ना अभी एग्जाम वगैरह दे के ही आ रहा हूँ। और अभी जो है, मैं जब आप लोग ये देख रहे हो ये वीडियो ना भाई, बड़ी जल्दी जल्दी मैं एडिट वगैरह किया मैंने। और उसके अलावा ना भाई, मतलब इस वाली गेम के अंदर ना मैं मछली मैन बनावाऊँ, मतलब फिश मैन बनावाऊँ। ये बंडल इतना ज़्यादा फनी है ना, इस बंडल को देख के ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि भाई गरीना ने क्या क्या बना दी है चीज़ें यार फालतू की गेम में। मतलब इनको कोई ढंग का सेंस ही नहीं यार गेम में ना, मतलब कुछ भी ढंग की चीज़ लाने का, मतलब बिल्कुल ही बकवास चीज़ें ऐड करते रह रहे हैं यार। बोया पास में मैंने बोया पास पता है क्यों खरीदा है, क्योंकि भाई वो प्रीमियम की बॉल जो थी ना, वो बहुत ही बढ़िया थी यार। मतलब वो बॉल के चक्कर में मैंने खरीद लिया यार, 1,000 डायमंड अपने फूंक दिए। अदरवाइज यार बाकी 1,000 का तो मेरे को पड़ा नहीं, खैर मेरे को शायद 200-250 का पड़ा। ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, आप शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हो कि मेरे को कितने डायमंड का पड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे पे टोकन वगैरह भी थे यार। तो अभी ना यहाँ पे ना मेरे पास इस गेम के अंदर यार आर्सेनल की है, तो चलो यार फटाफट से ना आर्सेनल खोलते हैं। और उन सब चीज़ों के अलावा ना यार, मेरा बिल्कुल भी हाथ सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो आपको, मैंने ना आज ना पूरा दिन में सिर्फ एक ही गेम खेला था सुबह के टाइम पे। और अभी जो है मेरा दूसरा गेम प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे M60 यार, M60 चलाएंगे और क्या। और Mac 7 तो भाई आई बहुत तगड़ी, अंडररेटेड गन है यार Mac 7 ना। और हाँ, मैं कह रहा था ना यार, मतलब बिल्कुल भी ना मेरा हाथ सेट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CS की ना मुझे 2 दिन से ना आदत सी लग गई है CS के अंदर खेलने की यार। CS में बहुत रश खेलता हूँ ना मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बंदों के मुंह में घुस जाता हूँ, चाहे माइनस लगे चाहे प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी CS को थोड़ा कम करेंगे और हम लोग ना एक दिन में BR और एक दिन में CS करके चलेंगे, क्योंकि यार मेरी ऑडियंस ना BR की है। आप लोग BR को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और ऐसा नहीं है कि CS में काफ़ी कम है, लेकिन हाँ यार CS भी आप लोग पसंद करते हो, तो इसलिए ना मैं दोनों की दोनों चीज़ें ना मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जब तक मेरा CS के अंदर ग्रैंड मास्टर नहीं लग जाता। ऑलराइट, तो यहाँ पे ना ये बना हुआ है ड्रॉप चार्ज करने वाला है, तो फटाफट से ना ड्रॉप को चार्ज कर लेते हैं। एंड मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तो मुझे ना यहाँ पे ना फुटस्टेप भी आ रहे हैं भाई किसी बंदे के ना। ऑलराइट, देखो भाई बंदा सामने ऊपर से ना मेरे को फायर कर रहा है, और भाई कितना सारा डैमेज दे दिया इस बंदे ने यार, एक गोली का छोड़ दिया मुझे यार। मतलब यार ये बंदा मुझे ना ड्रॉप चार्ज करने नहीं दे रहा, फटाफट से मैंने सुपर मेडिकेट मारी है। एंड ये बंदा जो है शायद से ना नीचे कूद जाएगा, ये मेरे पे नेड फेंक रहा है। और भाई एक तो यहाँ पे गाड़ी है ना यार, यहाँ पे मैं वॉल भी नहीं डाल सकता, तो भाई इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज तो दिया है। ऑलराइट, तो ये निकला बाहर।
एंड कुछ ना कुछ तो गलती करेगा यार, ये निकला फिर से बाहर निकला, फिर से मैंने तो थोड़ा सा डैमेज किया। आप लोग ने यहाँ पे छोटा सा फाइट देखो, अरे भाई कितने बंदे थे यार यहाँ पे, मतलब कितने सारे बंदे थे यार। अभी मुझे फिर से किसी और बंदे का फुटस्टेप आ रहा है यार यहाँ पे ना, मतलब क्या सीन है ये यार, इतने बंदे भाई, कौन कौन कहाँ से पूरे मैप के बंदे मेरे पास ही आ गए क्या मेरे को फिर से, मतलब किसी बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं पीछे की साइड से। आप लोग देखो यहाँ पे वो बंदे के बहुत ज़्यादा फुटस्टेप आ रहे हैं यार। ऑल राइट तो ये है कहाँ पे मुझे एक्जैक्टली पता दिख गया, तो भाई इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैक का स्प्रे कर दिया है। और ये बंदा भी दिमित्री और सोनिया वाला नोबड़ा निकला, और भाई पैक कर लिया इसने अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैक तो नहीं किया। बस ये लोग ना पता कैसे मतलब मर गए, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, गाड़ी की वजह से ना इनका वॉल नहीं डल पा रहा था। अगर इनका वॉल वगैरह डल जाता ना और ये बच जाते भाई, मेरे को इजीली पेल देते। यहाँ पे इसी जगह के अंदर ना मैंने यार 3 किल कर दिया, आप लोग समझ सकते हो, मतलब 3 के 3 किल। तो भाई मतलब आ रहे हैं, मर रहे हैं और जा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे फटाफट से लूट वगैरह करूँगा यार, मतलब बड़े सही से बंदे थे यार, आके बस मर के गए मेरे से, और कुछ भी नहीं। और आज ना मैं आप लोगों से ना सच्ची बोलूँ तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले तो यार वो विंजो एप्लीकेशन को ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा ना यार एक चीज़ और कर लेना, आप लोग ना कॉमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ मेरे भाई, जो भी विंजो वगैरह को डाउनलोड वगैरह कर लेंगे ना, उसके बाद ना आप एक काम करना, कॉमेंट सेक्शन के अंदर ना सबसे पहले लगा देना हैशटैग विंजो, विंजो के साथ ही ना आप लोग लिख देना हैशटैग फिशमैन, ठीक है, मतलब मछली मैन ऐसा करके कुछ भी लिख देना, मतलब बहुत दिल से खुशी मिलेगी यार अगर ऐसे यार 10 से 15 कमेंट मेरे को देखने को मिलेगी ना भाई, मतलब। और हाँ एक बात और यार, मैं आप लोगों के ना कमेंट का रिप्लाई भी फिलहाल ना दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना आज और कल एग्ज़ाम है, मेरा लास्ट एग्ज़ाम, मतलब लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है 5 तारीख को, मतलब कि कल, और जो है मेरा जो है लास्ट एग्ज़ाम है 9 तारीख को, लेकिन कल जो है मेरा सेकेंड लास्ट है, तो ही मेरे लिए वो बहुत ही सही है। सो यार यहाँ पे मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, और भाई कितने सारे बंदे यहाँ पे भी हैं यार, एक बंदा तो पीछे ही जिसको मैंने हिटलिस्ट किया है, और एक बंदा मेरे सामने की साइड में, इस बंदे को मैंने इजीली हेडशॉट मार के जो है नॉक ही कर दिया है, इसका सोनिया एक्टिवेट हो गया भाई, इसको मैंने नॉक तो कर दिया है, लेकिन यार यहाँ पे ना कोई और बंदा भी गाड़ी चला के आ रहा है भाई, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया मेरे को, अरे दोबारा रिवाइव हो गया, मतलब क्या सीन है यहाँ पे, और एक और बंदा आ गया यार यहाँ पे, मतलब ये फिर से रिवाइव हो गया नोबड़ा भाई, क्या है ये सोनिया दिमित्री। ऑलराइट तो उस पीछे वाले बंदे को ना मेरे हिटलिस्ट वाले बंदे ने मार दिया है, एंड फटाफट से सुपर मेडिकेट मारेंगे ना वो हिटलिस्ट वाले बंदे को मारेंगे यार, और मैं वेस्ट वगैरह अपना रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे सब कुछ फाड़ जाता है इन लोगों ने ना, मतलब 3-3 बंदे यहाँ पे भी मेरे को देखने को मिल गए यार, क्या ही बोले भाई, इतने सारे बंदे मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं। तो ऑलराइट इस बंदे को मैंने इजीली मार दिया, ये जो है एवरेज सा प्लेयर था, बिल्कुल भी खास प्लेयर नहीं था ये, लेकिन उस बंदे ने ना इसको पता है कैसे मार दिया, इसने ना एडवांटेज लिया था, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डैमेज दिया था ना, इस वजह से जस्ट इसी वजह से मार पाया, वरना नहीं मार पाता यार ये बंदा ना, मतलब बिल्कुल एवरेज सा बंदा था ये। और मेरी M60 भाई बहुत ही तगड़ी चल रही है, आप लोगों ने जैसा कि देखा है भाई, इजीली पीजी मैंने हेडशॉट मार दिया उस बंदे को ना, अगर उसका सोनिया और दिमित्री नहीं होता ना, तो मैं इस बंदे को भी मार देता जिसने मेरा किल चोरी किया ना, मतलब जैसे जो किल चोरी हुआ। ऑलराइट तो यहाँ पे ना मैंने लॉन्चर लगा दिया है यार, और लॉन्चर लगा के फटाफट से चलते हैं, और भाई मेरे को ना यहाँ पे नीचे की साइड में एक और बंदा दिख गया है, तो भाई ये बंदा मतलब क्या, इसने अभी भी किसी को मारा है, एंड ये बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस था, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं इसने अपने आप को पैक कर लिया है। ऑलराइट तो उसमें नेड फेंकते हैं यार, एक नेड तो मैंने कुक कर दिए, लेकिन ये अपनी वॉल, भाई इसने वॉल ही डाली, और उसको 169 का हेड मतलब सॉरी डैमेज भी आ गया, और भाई ये बंदा भाग रहा है, और मेरे को खुद को भी डैमेज पड़ रहा है यार, मेरी वॉल ही नहीं भाई, देखा आपने, जस्ट मैं मौत को छू के टक से वापस आया हूँ यार यहाँ पे, और ये बंदा मेरे पे नेड़ फेंक रहा है अब, तो मेरी वॉल वगैरह तो खैर ये लोग फाड़ नहीं पाएंगे, और मैं खुद की भी वॉल नहीं फाड़ पाऊँगा, तो मेरे को वॉल ना साइड पे लगानी ही पड़ेगी यार। तो भाई मेरे पे ऑलरेडी 2 वॉल बची है यार, भाई फटाफट से निकलना ही सही रहेगा यार यहाँ से ना, क्योंकि इन बंदों से पंगे लूँगा ना मैं, ये लोग दोनों के दोनों में पीछे वाला तो शायद चला गया, तो मैंने थोड़ा सा डैमेज देकर ना अलर्ट कर दिया है, लेकिन एक काम करते ना यहाँ पे ना मैं लॉन्चर लगा देता हूँ, लॉन्चर लगा के ना मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं निकलूँगा नहीं ना, ये दोनों के दोनों बंदे, वो आगे वाला बंदा भी ना मुझे कहीं ना कहीं से आके ना मार ही देगा, तो यहाँ पे मैं टावर में फंसा नहीं, एक अच्छी बात है। और फटाफट से ना यार यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने मेरा ना सैंडविच नहीं होना चाहता, क्योंकि और आप लोग देख रहे हो भाई ये गेम इतना इंटरेस्टिंग जा रहा था ना, कि मुझे खुद को खेलने में मज़ा आ रहा था, मतलब मैं खुद देख रहा था कि भाई कितना मतलब सीरियस का जैसे जा रहा था ये, हर दूसरा बंदा चढ़ रहा है मुँह पे, मछली मैन की पावर देख रहे हो भाई, मछली मैन को हर कोई मारना चाहता है। अब यार यहाँ पे ना मुझे डर भी लग रहा है कि भाई वो बंदा पीछे से मुझे डैमेज ना दे, और भाई बोलते बोलते बंदा डैमेज ही दे रहा है मुझे यार, मैंने ट्राई तो किया इसको 15 का डैमेज भी दिया है, लेकिन एक काम करते हैं ना, ये डबल डोर के अंदर जाके ना थोड़ी देर कैंपिंग करते हैं,
ऑलराइट। और हाँ यार एक बात मैं और बता दूँ आपको, 6 तारीख से ना मैं ना बहुत सारी चीज़ें ना मतलब दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। 9 तारीख को जो है मेरा लास्ट एग्जाम है और 6 को जो है मेरा सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो बीच के अंदर ना मैं 3 या 4 दिन जो है बहुत ही तगड़ी वाली कैंप मतलब पुशिंग करूँगा, ठीक है, कैंपिंग बोल रहा हूँ, तो बहुत ही तगड़ी वाली जो है ना पुशिंग करने वाला हूँ मैं, ठीक है। उसी बीच के अंदर मैं दोबारा से ग्रैंड मास्टर लगा दूंगा। और उसके अलावा जो है ना आप लोगों के कमेंट वगैरह का रिप्लाई भी मैं जो है ना 6 तारीख से देना चालू कर दूंगा यार, तो आप लोग बढ़िया बढ़िया जो है कमेंट वगैरह करने चालू कर देना, ठीक है। सो अभी बस मेरे एग्जाम कंप्लीट होने, तो फिर करेंगे मज़ेदार चीज़ें, है ना। BR CS दोनों की दोनों पुशिंग करूंगा मैं। CS की तो खैर जब तक ग्रैंड मास्टर नहीं लगता तब तक ही करूंगा यार, उसके बाद CS करना छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को CS खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ठीक है। कोई हेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे को खेलने में मज़ा नहीं आता। सबका अपना अपना सोच होती है भाई मेरी, मतलब अच्छे से नहीं खेला जाता मुझसे, ज़्यादा तगड़े तरीके से नहीं खेला जाता, इस वजह से मैं CS खेलता ही नहीं। और BR के अंदर भाई मेरे मज़ा आ जाते खेलने वक्त ना, क्योंकि मैं सोलो खेलता हूँ यार। CS के अंदर क्या है ना, आपके रैंडम प्लेयर्स कैसे आएंगे क्या होगा आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन BR के अंदर आपको पता है कि भाई आपके अकॉर्डिंग ही गेम चलेगा। आप ढंग का खेलोगे तो गेम अच्छा चलेगा, नहीं तो भाई गेम बिल्कुल लुल चलेगा, समझ रहे हो। और CS के अंदर भाई लोग दिमित्री इतना ज़्यादा यूज़ करते ना, हालांकि BR में भी करते हैं लेकिन CS में अलग ही सीन होता है यार। और उन सब चीज़ों के अलावा भाई आप लोगों ने देखा मैंने आपको ना आज की इस वीडियो में ना जस्ट एक ही गेम दिखाया है, तो वो मैंने इसलिए दिखाया यार क्योंकि मेरे जो है मतलब जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ भाई, मतलब बार बार नहीं बोलना चाहता, छोड़ो यार। और फटाफट से जो मैंने कमेंट में लिखने को आपको बोला था ना भाई, कमेंट पे लिख दिया तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। जिन भाइयों ने नहीं लिखा तो फटाफट से लिख दो यार #windzo डाउनलोड करने के बाद, उसके अलावा लिख देना #fisherman या फिर मछलीमैन, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे मछलीमैन भाई साहब यहाँ पे थोड़ी देर कैंपिंग करते हुए, और मैंने यहाँ पे ना 2 UAV वगैरह डाल दिए थे और एक गोली जिस मैंने फायर कर दी ताकि बंदों को पता चल जाए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और एक आधा बंदा आ जाए, क्योंकि भाई जोन जो है आप लोग देखो मेरे को लग रहा है कि मेरे पास नहीं बनेगा, मेरे को ना मतलब बहुत डाउट, बहुत ही बड़े वाला डाउट है कि मेरे पास शायद से नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड में एक घर है ना ये पान वाला, तो इसके अंदर जाके ना थोड़ी देर कैंपिंग करते हैं, क्योंकि ये ना मतलब जोन के अंदर भी है और भाई ये घर मुझे सेफ भी लग रहा है क्योंकि इसमें कोई बंदा देख नहीं रहा है फिलहाल ना। सो भाई यहाँ पे मतलब इस घर के अंदर मैं सेफली पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मतलब कोई बंदा मतलब है कि नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ऊपर से ना मतलब मेरे को ना एक डाउट भी है कि यहाँ पे अगर एक बंदा आ गया और उसने मुझे मार दिया तो इतना इतना तगड़ा मेरा गेम खेलने का फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए ना मैं अभी भी ना यहीं पे होल्ड ही कर रहा हूँ, मैं जस्ट कोई भी ना रश नहीं कर रहा हूँ किसी भी बंदे पे, क्योंकि ऑलरेडी भाई यहाँ पे ना 5 बंदे अलाइव हैं, इतने छोटे से जोन में 5 बंदे लाइव होना मजाक नहीं है यार। तो एक आधा ना UAV डाल देते हैं, तो अब 4 बंदे लाइव हैं। और भाई इस गेम में मैंने ना 6 किल कर दिए थे यार। अब मेरे को फुटस्टेप आ गए एक बंदे के जो कि मेरे घर के पीछे ही था, उसको मैंने एक गोली का छोड़ा है, जस्ट एक गोली का, और भाई 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 ईजिली इसको मैंने मार दिया, लेकिन इसने मेरी पूरी वेस्ट फाड़ दी मेरी। फटाफट से सुपर मेडिकेट मार लूँगा यार। और ये बंदा नहीं पता नहीं किस पे ना वो फेंक रहा था यार, क्या कहते हैं, ग्लू मेल्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से मैंने जो है ना लूट करके जो अपनी वेस्ट पूरी पूरी रिपेयर कर ली। और भाई अब जब मेरी नज़र गई ना यहाँ पे कि कितने बंदे लाइव पड़े, तो मैंने देखा भाई बस एक बंदा लाइव है। मैं ये बात देख के ना शौक हो गया था कि भाई बाकी बंदे कम मर गए, क्या हुआ ये, कुछ आइडिया नहीं मुझे। और वो आखिरी बंदा कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता, ना ही उसके फुटस्टेप आ रहे हैं ना ही वो बंदे ने फायर किया है। तो एक आधा ना यहाँ पे मैं UAV लाइट डाल देता हूँ ताकि बंदे का थोड़ा बहुत से लोकेशन दिख जाए यार। लेकिन यार वो बंदा ना काफ़ी चला के, वो बंदा ना जैमर का यूज़ कर रहा है ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे ना रैंडमली जो है ना मतलब नेड फेंक रहा हूँ ताकि भाई कहीं ना कहीं से तो डैमेज आएगा। और भाई यहाँ पे राइट हैंड साइड से डैमेज भी आ गया, बहुत ही तगड़े वाला है, 170-180 कुछ का। तो ये बंदा दिख गया मुझे ईजिली, इस बंदे को मैंने मार के दिया, अपना ये वाला गेम बोया निकाल लिया भाई। मतलब आप लोग देख सकते हो हालांकि मैं जो है CS का बंदा बन चुका हूँ आजकल, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मैं BR छोड़ चुका हूँ। सो चलो यार अब जो मैंने आपको गेम दिखाया भाई वो वर्थ इट था, मतलब एटलीस्ट मैं बोया तो कर पाया उस गेम को। हालांकि मैं ग्रैंड मास्टर पे नहीं हूँ तो इस गेम के अंदर मेरा 31 का प्लस हुआ 8 किल के साथ। अब यार ये वाला गेम प्ले ना भाई बहुत ही तगड़ा था, मतलब मैं ना खुद शौक था कि इस गेम में क्या हो रहा है, मतलब कहाँ से कौन आ रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे आप लोग देखो मैंने जस्ट अब यहाँ पे ना नीचे उतर के मैंने मतलब आपको एक आइडिया बताऊँ तो यहाँ पे ना मैं स्टार्टिंग में मर गया था एंड इस घर के अंदर ना बैठ के मैं कैंपिंग कर रहा था एक घर के अंदर। और सामने की साइड में आप लोग देखो यहाँ पे ना बंदा दिख रहा है और मुझे उस बंदे को भी मैं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि UAV से पता चल गया ना सबको। तो अब मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ना यहाँ से ये मॉन्स्टर ट्रक लेके भाई भागने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि और कोई चारा है नहीं और मुझे सामने ना लैम्बोर्गिनी दिख रही यार। तो मॉन्स्टर ट्रक में डैमेज पड़ जाता है लेकिन लैम्बोर्गिनी में थोड़ी पड़ता है, तो लैम्बोर्गिनी भाई यूज़ करेंगे लैम्बोर्गिनी। सो भाई देखो एक और बंदा यहाँ पे सामने, भाई कितने बंदे हैं भाई, मतलब हर जगह बंदे ही बंदे। और इस गेम के अंदर ना बिल्कुल लूट नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ना जस्ट अभी लैंड ही किया हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले ही लैंड किया, मतलब लैंड तो मैंने काफ़ी देर पहले कर दिया लेकिन कैंप भी कर रहा था मैं, ठीक है। तो आप ना मैं यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ यार ड्रॉप, क्योंकि मेरे को ड्रॉप चार्ज करने की ना बहुत ही गंदी आदत है, मतलब आप लोग कह सकते हो जब भी ड्रॉप होता है ना तो मैं ना मतलब उसको चार्ज करते ही करता हूँ क्योंकि मुझे जस्ट AWM फाइट करना होता है यार, क्योंकि AWM के बाद ना मेरे लिए गेम खेलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फटाफट से ना चार्ज कर लेते हैं क्योंकि कोई बंदा है भी नहीं आसपास, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो भाई मेरे को AWM मिल गई लेकिन AWM Y नहीं मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम AWM से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो चलो यार, अब ना मुझे ना यहाँ पे लग रहा है कि भाई बंदे आने वाले हैं आसपास, मतलब एक अंदर से आवाज़ आती है ना वो आ रही है। तो भाई मैं यहाँ पे मैं उछल कूद कर रहा हूँ फटाफट से ताकि ड्रॉप चार्ज हो जाए। और भाई पीछे की साइड से देखो एक ना लड़की भागते हुए आ रही है, तो इसको लग रहा है कि मैंने इसको देखा नहीं लेकिन मैंने इसको देख लिया है, और इसको मैंने नॉक भी कर दिया, इसकी सोनी एक्टिवेट हो गई है। तो और भाई मैंने इसको पूरा पूरा फिनिश भी कर दिया यार, मतलब नॉक कर दिया है, तो पूरा फिनिश कर देते इसे फटाफट। और भाई एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है मेरे पास, अरे भाई गाड़ी से उड़ा दिया इसने मुझे नोबड़े ने, और मैं वॉल भी नहीं डाल सकता भाई, मैं एक गोली का बचाऊँ। और मेरे पास ना तात्सुया अभी मेरा एक्टिव नहीं था यार यहाँ पे, मतलब आप लोगों ने देखा मेरा ना यहाँ पे तात्सुया होता ना, मैं इस बंदे को ना इजी पीजी पेल देता, लेकिन मेरे पास तात्सुया भी नहीं था यार मेरा, हालांकि एक्सक्यूज़ तो देने हैं मुझे। तो आप मेरा 11 का प्लस हुआ मल्ली। सो होप करता हूँ आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो विंडो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है। और जो कमेंट लिखने को बोला था भाई कमेंट भी लिख देना प्लीज़ यार। सो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जो भी मेरा भाई जो है BR के अंदर ग्रैंड मास्टर अचीव करना चाहता है, हालांकि मैं जो है उतर चुका हूँ, लेकिन भाई आप लोग अभी भी लगा सकते हो ठीक है। सो उसकी टेंशन ना लेना भाई, मैं सही टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ ठीक है। तो ये वाली वीडियो के अंदर क्लिक करके आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, बाय बाय गाइस।